अनुपमा सीरियल में अनु की रसोई को शादी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें अनुपमा और अफराही के बीच चैलेंज हुआ है कि जो कुछ भी उस चैलेंज को जीतेगा उसके बाद अनु की रसोई के सारे डिसीजन वही लेगा। लेकिन सीरियल में इस शादी वाले सीक्वेंस में आपको ऐसा सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है जो सभी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और उसी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने सीरियल के रिसेंट स्टोरी लाइन में देखा ही होगा कि कैसे राही अब किसी तरह अनु की रसोई को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए उसने प्रेम से मदद मांगी है। इस वजह से प्रेम और राही बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं और ये सारी चीज माही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि माही प्रेम से प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ आपने सीरियल में देखा ही होगा कि कैसे जब से तोसू जिस आदमी को लाया रहता है वो अनुपमा को इंसल्ट कर रहा होता है, तब राही अनुपमा के लिए स्टैंड लेती नजर आती है। वहीं आपको अब सीरियल की कहानी में इस शादी वाले सीक्वेंस में अनुपमा और राही ज्यादा क्लोज आते नजर आएंगे और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे खत्म होती नजर आएगी। वहीं अगर हम प्रेम की बात करें तो अभी तक प्रेम के परिवार वालों को नहीं दिखाया गया है और सीरियल में किसी भी पुराने किरदार की वापसी की बात सामने आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा नाम देविका का निकल कर सामने आ रहा है। आपको अनुपमा और राही की कहानी पसंद आ रही है या नहीं कमेंट में आप हमें जरूर बताएं।